अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां जिले में नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में बुधवार को ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने खुद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। टमस नदी के अतः जल के अंदर शराब की बाटलें पुलिस ने जब्त की है। नाव में सवार होकर पुलिस नदी के बीच में पहुंची, जहां आरोपियों ने धागा बांधकर शराब की बोतलें छिपाई थी। अवैध शराब बिक्री का यह नजारा देखकर पुलिस को भी अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। चाकघाट थाने के टोक गांव में पुलिस को अवैध शराब बिक्री की सूचना मिली थी। पुलिस ने आरोपी सत्यदेव सिंह के घर में दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस को शराब नहीं मिली, तभी कुछ लोगों ने आरोपी के द्वारा नदी के अंदर शराब छिपाने की जानकारी मिली। कुछ देर के लिए तो पुलिस को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तस्दीक करने के लिए नाव में सवार होकर पुलिस जब नदी के बीच में पहुंची तो वहां पर आरोपियों ने पतली रस्सी बांधकर शराब की बोतल पानी के अंदर छिपाई हुई थी। पुलिस ने 13 लीटर शराब पानी के अंदर से निकाली है। दरअसल आरोपी शराब बनाने के बाद उसे पानी के अंदर छिपा देता था। जब भी ग्राहक आता तो नाव से उसे निकाल कर बेच देता था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं। जो भी लोग अवैध शराब बेचने का काम करते हैं वे ज्यादातर टमस नदी के अंदर ही शराब छिपा कर रखते हैं। आरोपियों ने टमस नदी में अपने घर के सामने के हिस्सा पर खुद का पट्टा बना लिया है और वे अपने अपने इलाके में ही शराब छिपाते हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। थाना प्रभारी अभिषेक पटेल ने बताया कि पुलिस ने आमिल कोनी गांव में भी दबिश दी थी, जहां एक घर से 5 क्विंटल लाहन बरामद हुआ है। लाहन को नष्ट करवा दिया गया है। अवैध शराब बिक्री के मामले में दर्ज कर जांच की जा रही है। इधर ले बेटा, यहीं पे यहीं पे यहीं पे यही उठाओ, निकालो, निकल गए निकल गए निकल गए। निकालो निकालो निकालो, पानी में धुका के रखें। जैसा कि आप सबको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में जिले में लगातार नशा मुक्ति अभियान के तहत बड़ी मात्रा में नशे की वस्तुओं पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जब पुलिस ने कार्रवाइयों में तेजी की तो जनता ने भी आगे बढ़कर अभूतपूर्व सूचनाएं पुलिस को देना शुरू किया। इस क्रम में जहां 40 पेटी कोरेक्स पकड़ी गई, वहीं एक सफलता और मिली, जो कुछ लोगों ने बड़े ही तरीके से पानी के अंदर कुछ टैंक्स में छोटे छोटे टैंक बना के उनको सुरक्षित रख के शराब छुपा रखी थी। उस दौरान पुलिस को पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन जब मुखबिर से मिली तो जाके उन लोगों ने वहाँ पर एक कार्रवाई संपन्न की है। पूरी टीम ने काफ़ी अच्छा ये काम किया है। इसके बाद से, इस कार्रवाई की सफलता के बाद से, हमारे पास सूचनाएं आना और अधिक बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे लोगों का विश्वास बढ़ा है कि इस सूचना को पुलिस ने इतनी तेज़ी से डेवलप किया और सफलता पाई। देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इस अभियान को पवित्र अभियान का नाम दिया जाना उचित होगा, उसी क्रम में जब हम लोग कोई काम करते हैं और हमारा काम करने का इंटेंशन अच्छा होता है, पवित्र होता है, तो हर तरफ से सहयोग हमको मिलता है। उसी क्रम में ये उदाहरण आप मान सकते हैं कि कोरेक्स वाली कार्रवाई भी, जो दिल्ली से माल आया उसका भी एक फ़ोन पर सूचना मिली, फिर जो मऊगंज में गड्ढे में खोद के अंदर माल छुपाया गया था वो भी मुखबिर की सूचना थी, और तीसरा जो अभी आपने मुझसे जानकारी ली है पानी के अंदर छुपाने वाला, तो ये सब केवल पब्लिक के सहयोग से संभव हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं पब्लिक भी इस बात को समझ रही है कि नशे के विरोध में हम सबको मिलकर एकजुट होना पड़ेगा।